हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। हाँ, तो इस प्रकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। अगर आप भी बनाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूँ तो आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली प्लस वाला आइकन क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है और यहाँ से आपको नॉर्मली कोई भी अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में एरो वाले आइकन क्लिक करना है। अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ओरिजिनल पे क्लिक करना है, यहाँ से 9x16 वाला रेज सेलेक्ट करना है और आपको ये बंद कर देना है। गाइज, यहाँ पे क्लिक करके आपको इसका ऑडियो साउंड भी बंद कर देना है। अब आपको वीडियो में फालतू पार्ट को कट करना है, तो वहाँ पे आना है जहाँ कहीं पे आपके वीडियो में फालतू पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ लास्ट में डिलीट कर देता हूँ, तो ये स्प्लिट पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है। हमारा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जिस भी पार्ट को आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक करना है। डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। यहाँ लास्ट में आपको ब्लैक लेयर भी डिलीट कर देना है। स्टार्टिंग मैंने आपको वीडियो क्लिक करना है, फिल्टर पर आना है और गैज यहाँ पर आपको इसमें ब्लैक एंड व्हाइट वाला फिल्टर ऐड कर लेना है, ये वाला। तो फिल्टर ऐड हो चुका है, राइट पर क्लिक करना है। अब आपको सबसे पहले 3 सेकंड पर स्प्लिट कर लेना है, तो 3 सेकंड पर आना है। गैज यहाँ से लेयर को थोड़ा जूम कर लेना है जिससे हमें स्प्लिट करने में आसानी हो। 3 सेकंड पर वीडियो क्लिक करना है, स्प्लिट पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना है। 3 सेकंड के बाद में आपको वीडियो में स्लो में ऐड करना है, तो सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, स्पीड पर आना है रेगुलर पर और आपको इसे माइनस में रख लेना है अपने हिसाब से। तो वीडियो में स्लो में ऐड हो चुका है, राइट पर क्लिक करना है। अब आपको 4.50 सेकंड पर फिर से स्प्लिट कर लेना है। इसके बाद में आपको 7 सेकंड पर भी स्प्लिट कर लेना है। यहाँ लास्ट में आपको 10 सेकंड पर भी स्प्लिट करना है। तो हमारा वीडियो 4 से 5 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। स्टार्टिंग मैंने आपको फिर से वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट पर क्लिक करना है, एफएक्स पर आना है और इसमें आपको व्हाइट वाला एफएक्स ऐड कर लेना है यहाँ लास्ट तक। वीडियो के अगले वाले पार्ट पर आना है, एफएक्स में वीडियो लेयर को स्टार्टिंग में लेना है। गाइज, आपको इसमें जीटल वाला एफएक्स ऐड कर लेना है। अगले वाले पार्ट पर एफएक्स में और इसमें आपको जूम इन वाला एफएक्स ऐड करना है। पहले आपको लेयर को स्टार्टिंग में ले लेना है। अगले वाले पार्ट में एफएक्स में फिर से आपको इसमें जीटल वाला एफएक्स ऐड कर लेना है। लास्ट वाले पार्ट में एफएक्स में दोबारा से आपको इसमें जूम इन वाला एफएक्स ऐड करना है। तो सभी पार्ट में एफएक्स ऐड करने के बाद में राइट पर क्लिक करना है। अब गाइज, आपको इसमें ऑडियो साउंड ऐड करना है, तो स्टार्टिंग में ऑडियो साउंड ऐड करने के लिए टैप टू ऐड म्यूजिक क्लिक करना है। म्यूजिक पर आने, प्लस वाले आइकन क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पर आने और यहाँ से आपको इसमें ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो लेने के बाद में आपको इसमें फाइल नेम ऐड कर लेना है कुछ भी, जैसे कि मैं इसमें जी कर देता हूँ और ओके क्लिक करना है। तो हमारा वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट होकर उसी नेम से सेव हो चुका है। यहाँ चूज पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है। अब गाइज, आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ऑडियो साउंड के एंड पोजिशन पर आना है और फिर से आपको ये वीडियो स्प्लिट कर लेना है। ऑडियो साउंड के बाद में जो वीडियो का पार्ट है उस पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो चलिए, हमारा वीडियो कंप्लीट है। मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इसी प्रकार आप वीडियो बना सकते हो। अब आपको इसे एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है, यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, फिर आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना।